किचन का दरवाजा खोलते ही मेरे पीछे पीछे आया, किचन में आकर बैठ गया। यही करता है ये हमेशा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। मैं उठा तो हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए, लेकिन अब नए व्लॉग की शूट भी स्टार्ट कर देते हैं भाई। क्या बात है, क्यों शैतानी हो रही है, क्यों शैतानी हो रही है? होगी होगी मेरा बेटू, होगी मेरा बेटू, होगी मेरा बेटू। देखो ये कैसे लेट गया है और ये चाहता है कि मैं इसको ऐसे रब करूं इसके बेली पे, ताकि इसे आए मज़े मज़े हैं गोलू मज़े। जरा इस एरिया का क्विक इंस्पेक्शन भी कर लो कि कहीं इसने पॉटी तो नहीं करी है। दिख तो कहीं नहीं रहा है, सब कुछ तो सही है। वेल डन बेटू, वेल डन, वेल डन, वेल डन। तो गाइस मेरी भी ब्लैक कॉफी रेडी है और अब मैं जा रहा हूँ सिस्टम पे बैठ के व्लॉग एडिट करने, एकदम चुपचाप साइलेंटली बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा फोकस के साथ। ओगी कम कम ओगी। लास्ट इसने 4:30 बजे के अराउंड खाया था, जो इसके डब्बे में डॉग फूड पड़ा था ना, 2-4 पीस 2-4 दाने जो भी थे वही बस इसने खा लिया था। उसके बाद ये सोने चला गया था। तब से अब तक में 3 घंटे तो बीत गए हैं, तो सोच रहा हूँ कि इसको 2-4-5 बिस्किट जितने भी ये खाएगा इसके डॉग बिस्किट दे देता हूँ। ओगी के बिस्किट्स, ओगी खाएगा बिस्किट्स, ओगी बिस्किट खाएगा, एक एक खाता है ये बिस्किट, समझदार बेटू है। मैंने ऐसे आवाज़ करके इसलिए रखा था कि इसको पता चल जाए कि ये यहाँ रखा हुआ है। और हाँ, मेरा व्लॉग एडिट हो गया है, रेंडर पे लग गया है। अभी बज रहा है कितना, 7:45। वीकेंड में थोड़ा लेट हो जा रहा है, लेकिन व्हाटएवर इट इज़, वीडियो तो पब्लिश हो रही है ना बॉस, एवरी डे अ वीडियो। नाइस नाइस, वेरी गुड। मेरे को खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं रोज़ एक वीडियो बना पा रहा हूँ, पब्लिश कर पा रहा हूँ, और आप लोग उसे देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, है ना। इट फील्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी प्रोडक्टिव। अ फ्यू इंचेस लेटर, ओगी का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आज ओगी हम लोगों से पहले नाश्ता करेगा। ओगी आ जाओ, ओगी आ जाओ, ये ओगी आ गया। देखो कितना खुश हो जाता है जब खाने की बात आती है तो। क्योंकि ओगी अब एक अच्छा बच्चा हो गया है, इसीलिए उसको मिलेगी एक बिस्किट की ट्रीट। ओगी ओए बेटू, बिस्किट खाएगो, बिस्कुट खाएगो, ला लो, गिराना दे कहीं, आधा आधा खाता, इसीलिए मैंने तेरी गोद में मस्त रहता है, ये मैंने ये देखा है। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकौड़े। बेसन रेडी हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे वेजीज चॉप करूँगा। ब्रेकफास्ट टेबल हमारी सज चुकी है। वी हैव प्याज के पकौड़े, मसाला ब्रेड पकौड़ा, प्लेन आलू चिप्स पकौड़ा एंड हरी चटनी, जो कि ताज़ा फ्रेशली मेड है आज ही। मान गए मैडम आपको, सब काम इतनी तेज़ी से, स्फूर्ति से। अब स्वादिष्ट बना है कि नहीं वो टेस्ट करके बताएंगे। मतलब हाँ बना होगा स्वादिष्ट, मुझे पता है बना होगा, डेफिनेटली बना होगा। तो पहले कौन सी खाई जाए, पहले चटनी तो निकालो इसमें। तो पहले ये प्लेन आलू चिप्स खाएंगे। वेल लवली, एक नंबर एक नंबर। प्याज के खा के देखते हैं, तुम खाओ, मुझे पता है अच्छे बनाए किसने है। खाओ खाओ खाओ, है ना लवली, चटनी के साथ लवली लग रहा है एकदम गजब। अब ब्रेड पकौड़ा आराम से खाएंगे। अब प्लीज़ पहले खाने दो, फिर कैमरा ऑन करते हैं। तो गाइस अभी ओगी को टेरेस पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं लगभग। आज इसको वैक्सीनेशन भी लगवाने लेके जाना है, तो ये हुआ कि चलो पहले थोड़ा टहला देते हैं, इसको थोड़ा फील गुड करवा देते हैं, फिर वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएंगे। और फिर तब तक ना अपने डॉक्टर भी आ जाएंगे वहाँ पे, तो ये सही रहेगा। अभी घुमा देते हैं टेरेस पे इसको।
कितना बढ़िया मौसम, ओ माई गॉड, ये तो टाइम लैप्स वाली जगह है बॉस। ऑगी ऑगी, फिर देखो फिर गंदे में घुसता है, ये आदत ही है भाई की, क्या कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम भाई साहब, बहुत अच्छा मौसम। बादल देखो कितने वेरिएशन वाले हैं, कितने वेरिएशन वाले बादल हैं। तू मत दौड़ियो शिल्पी प्लीज़, पाइप पूप लगे ना गिर जाएगी। अब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं टाइम लैप्स इधर लगाऊँ या इधर लगाऊँ, ये मैं थोड़ा डिसाइड करता हूँ। वहाँ पर भी जाके देखते हैं बादल कैसे हैं। अरे यार कसम से, गजब गजब बादल। हाँ इतनी सारी, इतने सारे कबूतर, वाव यार एपिक नज़ारा कैप्चर हो गया। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एपिक मौसम है यहाँ का। अच्छा हुआ नीचे नहीं गए, हम पहले प्लान कर रहे थे कि नीचे जाएंगे लेकिन हम ऊपर आए, अच्छा किया हमने कि हम ऊपर आए। बहुत प्यारा यार, मैं तो यहीं लगाऊंगा, वहाँ नहीं लगाऊंगा, यहीं लगाऊंगा। ट्राईपॉड लेके आना चाहिए था, मैं ट्राईपॉड ले आऊँ क्या भाग करके, मैं ट्राईपॉड ले ही आता हूँ या देखता हूँ कहीं यहाँ कहीं फंसा देते हैं। ओ भाई साहब क्या हाल है। तो ये हमारे मेंटेनेंस वाले भैया हैं, टेरेस पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ऑगी को तो मस्त जगह मिल जाती है टहलने घूमने को, है ना। खेलो बेटा खेलो, खूब खेलो, दौड़ो। यार मैं ना नीचे से ट्राईपॉड लेके आता हूँ यार, क्योंकि टाइम लैप्स लगाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ कहाँ रखूँगा मैं। यहीं पे अच्छा सीन आ रहा है, और जल्दी नहीं लाया तो ये सब चला जाएगा। मुझे लगता है जब तक मैं नीचे से वापस आऊँगा ये चला ही जाएगा, तो कुछ और मैं देखता हूँ यार, कहीं तो फिक्स होना चाहिए कुछ। तो हम लोग वापस आ गए हैं नीचे अपने घर, और नीचे आकर के ऑगी की हालत दिखाने लायक है भाई आप लोगों को। ये देखो ऑगी की हालत कैसी है, पस्त पड़ गया है, खेल कूद गए इतना ज़्यादा। तो अब अपन लोग कोल्ड कॉफ़ी और चीज़ी फ्राइज खा करके अपनी शाम मनाएंगे। ऑगी को अभी शायद इंजेक्शन के लिए लेके जाना होगा, शायद देखते हैं क्या है जो भी है। और मेरा ओलांजी का गोप्रो का केज आ गया है जो मैं मंगाया था, अब इसका अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, मैं आज इसको खोलूंगा ही नहीं। ओके ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसी तरह प्यार दिखाते रहना, प्यार बरसाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय। टेरेस पे लेके जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है, 5-5 बज रहे हैं लगभग, तो आज इसको वैक्सीनेशन भी लगवाने लेके जाना है। तो ये हुआ कि चलो पहले थोड़ा टहला देते हैं, इसको थोड़ा फील गुड करवा देते हैं, फिर वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएंगे, और तब तक डॉक्टर भी आ जाएगा हमारा। चलो।